हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं ट्वेल्थ क्लास एजी केमिस्ट्री, और इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकंड, मृदा जीवांश पदार्थ से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, मृदा जीवांश पदार्थ के बारे में बात करें तो इसके अंदर अपनी चर्चा ह्यूमस के ऊपर चल रही है। ह्यूमस जो होता है, इसका संगठन की अपन बात करने वाले हैं। इसके अलावा ह्यूमस के बारे में एक सामान्य सी बात, किन से ये मिलकर बना होता है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, इन सभी के बारे में पिछले वीडियो के अंदर मैं आपको सारी बातें बता चुका हूं। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपन इस ह्यूमस से संबंधित लेकर उपस्थित हुए हैं, और ये टॉपिक है अपना ह्यूमस का निर्माण। देखिए, ह्यूमस का निर्माण किस प्रकार से होता है, कौन कौन से पदार्थों के मिलने से इसका निर्माण होता है, इसके बारे में अपन यहाँ पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग इस चीज़ को देखिए, ह्यूमस के निर्माण के बारे में बात करें तो यह एक जटिल पदार्थों का मिश्रण है। ह्यूमस जो होता है, आप लोग जानते हैं, ह्यूमस एक जटिल पदार्थों का मिश्रण है। इसका निर्माण भी बहुत ही जटिल जैव रासायनिक प्रक्रमों से होता है। यानी कि जब ये बहुत जटिल पदार्थों का मिश्रण है तो इसका जो निर्माण होगा ना, वो भी आपका बहुत ही जटिल जैव रासायनिक प्रक्रमों के माध्यम से, बहुत ही जटिल जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। यह मृदा में जीवांश पदार्थों के बहुत अधिक विच्छेदन से बनता है। यानी कि जब जीवांश पदार्थों का बहुत अधिक विच्छेदन होता है तो उस समय आपके इस ह्यूमस का निर्माण होता है। अब ह्यूमस के निर्माण के अंदर कौन कौन से प्रक्रम होते हैं, इनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखो, इसके निर्माण को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। ह्यूमस का निर्माण किन किन भागों से होता है, किस प्रकार से होता है, इसको ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास करिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण। देखिए, लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण हुआ कैसे, इसके बारे में अपन चर्चा करें। तो देखो, जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से ह्यूमस बनने की प्रक्रिया में, भाई ह्यूमस वास्तव में बनता किससे है, जो भी जीवांश पदार्थ, जो भी पेड़ पौधों की पत्तियां, जीव जंतुओं के अवशेष, ये जितने भी पदार्थ होते हैं, ये मृदा जीवांश पदार्थ होते हैं, और इन मृदा जीवांश पदार्थों का क्या होता है, धीरे धीरे विच्छेदन होता है, ये विघटित होते हैं, ये टूटते हैं, और इनके टूटने से ही क्या बनेगा, ह्यूमस बनेगा। कैसे बनेगा, तो पहला पद है लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण। इसमें होता क्या है, तो देखो, जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से ह्यूमस बनने की प्रक्रिया में शर्कराएं, स्टार्च, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, इनके विच्छेदन से ये पदार्थ कम हो जाते हैं। यानी कि जब जीवांश पदार्थ का विच्छेदन होता है ना, तो सबसे ज्यादा विच्छेदन किसका होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि भाई जितने भी जीवांश पदार्थ हैं उनमें शीघ्रता से विच्छेदित होने वाले पदार्थ, जल्दी ही विघटित हो जाने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो देखो, शर्कराओं का भी जल्दी से विघटन हो जाता है, स्टार्च का भी जल्दी से विघटन हो जाता है, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, इनका भी जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, ये अपघटित हो जाते हैं। परंतु मैंने आपको बताया था कि लिग्निन और वसा, लिग्निन और तेल वसा जो होते हैं, इनका विच्छेदन बहुत धीमी गति से होता है। अब बात आ गई कि भाई जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से शर्करा, इधर से अपन बात करें यहां पर स्टार्च, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, इनका अपघटन तो पूरी तरह से हो गया है, इनका विच्छेदन तो पूरी तरह से हो गया है, परंतु लिग्निन और वसा का विच्छेदन नहीं हुआ। तो इससे अपन को क्या पता चला, इससे पता चला कि भाई इनकी मात्रा तो हो जाएगी कम, और लिग्निन और वसा की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बस यही बात यहां पर लिखी हुई है कि जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से ह्यूमस बनने की प्रक्रिया में शर्कराएं, स्टार्च, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज के विच्छेदन से ये पदार्थ तो कम हो जाते हैं, तथा लिग्निन व तेल वसा की मात्रा बढ़ जाती है।
ठीक है। और ये जो लिग्निन व तेल वसा की मात्रा जो ज्यादा मात्रा में हो चुकी है आपकी कहां पर, मृदा के अंदर, यह प्रतिरोधी पदार्थ, ये क्या होते हैं, प्रतिरोधी पदार्थ होते हैं भाई, जल में नहीं घुलते ना, इसलिए बोलेंगे क्या इनको, प्रतिरोधी पदार्थ। तो ये जो लिग्निन है, ये जो तेल वसा है, ये प्रतिरोधी पदार्थ क्या करेंगे, ये नाइट्रोजनी पदार्थों से संयोग कर लेंगे। तो ये जो प्रतिरोधी पदार्थ होते हैं ये नाइट्रोजनी पदार्थों से संयोग कर लेंगे और क्या बनाएंगे, लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण करते हैं। भाई यहां पर नाइट्रोजनी पदार्थ कौन होता है, प्रोटीन। नाइट्रोजनी पदार्थ कौन होता है, प्रोटीन होता है, और लिग्निन तो यहां पर है सही, तो लिग्निन नाइट्रोजनी पदार्थ प्रोटीन से क्रिया करेगा और बनाएगा क्या, लिग्नोप्रोटीनेट बना लेगा। तो आप लोगों को यह पहला पद तो यहां पर ध्यान रखना होगा कि ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया के अंदर पहला पद होता है लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण। इसका निर्माण बहुत सिंपल सा होता है, पहले जीवांश पदार्थों का जब विच्छेदन प्रारंभ होता है तो उसमें शर्कराएं, स्टार्च, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, इनका विच्छेदन जल्दी से हो जाता है, परंतु लिग्निन का विच्छेदन, वसा तेल का विच्छेदन बहुत धीमी गति से होता है, इसलिए इनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है। और जब इनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये लिग्निन नाइट्रोजनी पदार्थ प्रोटीन से संयोग करके लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण कर लेता है। ठीक है भाई, तो लिग्नोप्रोटीनेट यहां पर बन चुका है, ये आपका पहला पद था। अब बात करेंगे अपन दूसरे पद के बारे में, तो वो होता है रोधी अणु जीव ऊतक का निर्माण। रोधी अणु जीव ऊतक का निर्माण ये कैसे होता है, क्या होती है चीज, इसको भी देखिए। तो शर्करा व अन्य पदार्थों के विच्छेदन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, ये बात तो आप लोग अच्छे से जानते हैं भाई कि जब भी विच्छेदन की प्रक्रिया होगी उस विच्छेदन की प्रक्रिया में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। शर्करा के विच्छेदन में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, इसीलिए अपन ने इस चीज को यहां पर दिया हुआ है कि भाई शर्करा व अन्य पदार्थों के विच्छेदन की प्रक्रिया में ऊर्जा क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। और ऊर्जा मुक्त होने के साथ ही यहां पर अमोनिकल लवण भी बनते हैं, क्या बनते हैं, अमोनिकल लवण भी यहां पर बनते हैं। और ये जो अमोनिकल लवण यहां पर बने हैं, ऊर्जा जो यहां पर मुक्त हुई है, इस ऊर्जा और इस अमोनिकल लवण से होगा क्या, तो इससे सूक्ष्म जीव अपना अणु जीव ऊतक बनाते हैं। यानी कि ये अणु जीव ऊतक बनेंगे कहां पर, सूक्ष्म जीवों के अंदर बनेंगे, क्या बनेंगे, सूक्ष्म जीवों के अंदर ये बनेंगे। किससे बनेंगे, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि भाई जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से बन रही है ऊर्जा, और ऊर्जा के साथ क्या बन रहा है भाई, अमोनिकल लवण बन रहा है। ये दो पदार्थ बने, ऊर्जा भी बनी, अमोनिकल लवण भी बना, इन दो पदार्थों के संयोग करने से, या ये दो पदार्थ जब सूक्ष्म जीव ग्रहण करते हैं तो उन सूक्ष्म जीवों के अंदर क्या बनेंगे, उनके अंदर अणु जीव ऊतक का निर्माण हो जाएगा। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई कि भाई अणु जीव ऊतक का निर्माण होगा कैसे, तो आप लोग बता सकते हैं कि भाई अणु जीव ऊतक का निर्माण सूक्ष्म जीवों के अंदर होता है, और सूक्ष्म जीवों के अंदर होता कैसे है, तो ये होगा जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से बनी ऊर्जा और अमोनिकल लवण के कारण। ठीक है, अब अणु जीव ऊतक बन गए कहां पर, सूक्ष्म जीवों के अंदर। आगे बात करें तो कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन के दौरान जीव अणु जो बनते हैं वो पॉलीयूरोनाइड्स होते हैं, क्या होते हैं, पॉलीयूरोनाइड्स। तो कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन से जीव अणु जो बनता है वो पॉलीयूरोनाइड्स होता है, और ये पॉलीयूरोनाइड्स जो होते हैं ना, ये अणु जीव ऊतक के साथ मिलकर, ये अणु जीव ऊतक के साथ मिल जाते हैं, और इनके मिलने के कारण सूक्ष्म जीवों के मरने के बाद भी इनका विच्छेदन कम हो जाता है। यानी कि इनका सूक्ष्म जीवों के मरने के बाद इनका विच्छेदन क्या होता है, पॉलीयूरोनाइड जो होता है, ये पॉलीयूरोनाइड जब अणु जीव ऊतक के साथ मिल जाता है, सूक्ष्म जीवों के अंदर चला जाता है, और पॉलीयूरोनाइड अंदर जाकर आपके जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके अणु जीव ऊतकों से जब मिलता है तो होगा क्या, उनके मिलने से कुछ इस प्रकार के यौगिक बनते हैं भाई कि वो यौगिक
सूक्ष्म जीवों के मरने के बाद भी विच्छेदित नहीं हो पाते हैं, उनका विच्छेदन बहुत धीमी गति से होता है। और जब विच्छेदन धीमी गति से होगा तो ये मृदा में एकत्रित होते रहेंगे, लगातार मृदा में क्या होते रहेंगे, ये एकत्रित होते रहेंगे। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से यहाँ पर ह्यूमस के निर्माण के पहला पद होता है लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण, यानी लिग्निन जब नाइट्रोजनी पदार्थ प्रोटीन से संयोग करेगी तो लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण होगा। और रोधी अणुजीव ऊतक का निर्माण, मतलब कि जब सूक्ष्म जीव अमोनियम लवण, अमोनिकल लवण और ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं तो उनके अंदर अणुजीव ऊतक बनते हैं, और ये अणुजीव ऊतक जब पॉलीयुरेनाइड से संयोग करेंगे तो इनका विच्छेदन धीमी गति से होता है, और इस प्रकार मृदा सूक्ष्म जीवों के शरीर लंबे समय तक आपकी मृदा के अंदर एकत्रित होते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये था अपना मृदा के अंदर ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात, जिसमें मैंने आपको दो पद यहाँ पर बता दिए हैं। अब एक पद आपका और है जो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग उसको चीज को देखने का यहाँ पर प्रयास कीजिए। ठीक है, ह्यूमस निर्माण का एक और पद होता है जिसको भी अपन यहाँ पर कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। आप लोग इस चीजों को साथ के साथ नोट करते रहे भाई। ठीक है, साथ के साथ इन चीजों को आप लोग नोट करते रहें। देखिए, तीसरा पद इसका आता है, यहीं पर मैं लिख देता हूं, और वो है प्रोटीन मृतिका संयोजन। प्रोटीन मृतिका संयोजन, ठीक है। अब ये प्रोटीन मृतिका संयोजन क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको मृतिका या क्ले के बारे में बता दूं। देखो, क्ले या जो मृतिका होती है ना, क्ले या मृतिका एक अम्लीय लवण, क्ले या मृतिका जो होती है वो होती क्या है, वास्तव में वो एक अम्लीय लवण होता है। अम्लीय लवण होता है जिसमें, अम्लीय लवण होता है जिसमें कौन से गुण पाए जा रहे हैं, जिसमें अम्लीय गुण पाए जाते हैं, अम्लीय गुण पाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो क्ले या मृतिका एक अम्लीय लवण होता है जिसमें अम्लीय गुण पाए जाते हैं। प्रोटीन में क्षारीय गुण होते हैं। अब देखो, आपका क्ले या मृतिका तो क्या है, अम्लीय है, और प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन में क्योंकि नाइट्रोजन है इसीलिए अपन बात करेंगे प्रोटीन में क्षारीय गुण होते हैं। प्रोटीन में क्षारीय गुण होते हैं, इसलिए क्ले में प्रोटीन का अधिशोषण हो सकता है। अब देखो, दोनों में क्या है, विपरीत गुण है, एक अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहा है, एक क्षारीय गुण प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए प्रोटीन में क्ले का, प्रोटीन में क्ले का अधिशोषण हो सकता है, या फिर बोल सकते हो क्ले में प्रोटीन का अधिशोषण हो सकता है, प्रोटीन का अधिशोषण हो सकता है। क्योंकि भाई दोनों के ऊपर, दोनों की प्रकृति क्या है, विपरीत है। आपकी क्ले जो है वो अम्लीय है, प्रोटीन क्या है, क्षारीय है, दोनों विपरीत प्रकृति की है, इसीलिए क्ले के ऊपर प्रोटीन का क्या हो सकता है, अधिशोषण हो सकता है, अर्थात दोनों आपस में संयोग कर सकते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का आपस में संयोजन हो सकता है, आपस में संयोजन हो सकता है, संयोजन हो सकता है। ठीक है भाई, तो इनका संयोजन आसानी से यहां पर हो सकता है। ठीक है, अब देखो भाई, इस प्रकार से यहां पर क्या हो गया,
तीन चीजें अपन ने देख ली, लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण हुआ, इसके बाद अणुजीव ऊतक का निर्माण हुआ, इसके बाद प्रोटीन मृतिका संयोजन हुआ। तो ये जितने भी पदार्थ यहाँ पर बने हैं ना, इन पदार्थों का जब मिश्रण बनता है तो उसी से क्या बनेगा, उसी से भाई ह्यूमस का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं कि उपरोक्त सभी पदार्थों के अंतर्मिश्रण से ह्यूमस का निर्माण होता है। यानी जितने भी पदार्थ ऊपर बने हैं, कौन कौन से पदार्थ बने हैं, लिग्नोप्रोटीनेट बना है, इसके अलावा आपका अणुजीव ऊतक बना है, आपका प्रोटीन मृतिका संयोजन हुआ है, इन सभी से ह्यूमस का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन तीन पदों के माध्यम से मुख्यतः किसका निर्माण हुआ, ह्यूमस का निर्माण यहां पर हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ह्यूमस होता है उसका निर्माण यहाँ पर संपन्न हो जाता है, और इस प्रकार से ह्यूमस के निर्माण के अंदर आने वाली सभी प्रक्रियाएं अपन ने अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। आप लोग जो है इसको अच्छे से कंप्लीट करते रहें, और आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना कि आप लोग जो है जो भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ रहे हैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से नोट करते रहें, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत आपको हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। साथ ही एक और बात कि आप लोग जो हैं जो भी ये यूनिट अपनी कंप्लीट होती है इसके बाद अपन टेस्ट का आयोजन करते हैं, और उस टेस्ट के अंदर, उस क्विज के अंदर आप लोग बहुत कम विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप लोग उस क्यूज के अंदर उस टेस्ट को अच्छे से कंप्लीट करने का प्रयास करें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों इस समय स्कूल का खुलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आप लोग जो है ऑनलाइन इस चीज़ को कंप्लीट करते रहें और अच्छे से टेस्ट देते रहें, अपना मूल्यांकन करते रहें, ताकि आप लोगों की पढ़ाई इसी प्रकार से जारी रह सके। जिस प्रकार से हम आप लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत करके ये वीडियो तैयार करते हैं, तो इस मेहनत को आप लोग भी जो है समझें और अच्छे से कंप्लीट करने का प्रयास करें। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थियों।